हमें 6 पीसेस डालने। ये नहीं, हमारा नान तैयार हो चुका है। तो अगर हम इसके ऊपर चीज़ लगाते हैं या मतलब कोई वेजिटेबल की गाने। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम चिकन चीज़ नान की रेसिपी बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कैसे बनती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये हमने एक ब्रेस्ट ले ली है चिकन की, तो देखें जी मैं करता जा रहा हूँ इसी तरह साफ करके। इसको छोटे छोटे क्यूब काट लेंगे। ये हो गया, ये मारा। ये हमारे लिए काफ़ी है, चिकन चीज नान का ना बन जाएगा मामा। अच्छा जी, हम इसको डाल दें, इसके अंदर मैरिनेशन करते हैं इसकी। ये हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें, ये हल्की सी ब्लैक पेपर, हल्की सी वाइट पेपर, थोड़ा नेड़े रख के हम इसमें एग ऐड करेंगे हल्का सा, काफ़ी है। अच्छा जी, इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें हल्का सा, थोड़ा सा ना कॉर्नफ्लोर ऐड करें। अच्छा जी, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे फ्राई में, इसको फ्राई करेंगे। कुछ लोग इसको बॉयल करते हैं, कुछ लोग इसको ना मतलब फ्राई करते हैं, तो अपनी अपनी मर्जी है। थोड़ा ऑयल गर्म हो गया तो डाल दें। हमारा हो चुका है चिकन, बॉल के अंदर ऐड करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये ऐड करेंगे वेजिटेबल, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सब्ज़ी मिर्ची को फाइन चॉप करना है, सही है। ये प्याज है, प्याज को भी फाइन चॉप करना है। हमारी शिमला को भी थोड़ा फाइन कर लें चॉप। पुदीना भी ऐड कर लें हल्का सा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चलें जी इसमें ऐड करते हैं ये सब। चलें जी हमारी सब्जियां ऐड हो गई हैं, इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। चलिए हम चीज़ ऐड करेंगे, ये तकरीबन आपका पैसा ही है, जितनी आपने डालनी है वो आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपको ज़रूरत है। इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, थोड़ा सुरख मिर्च ऐड कर रहे हैं, खुश्क धनिया, ज़ीरा, पेपर ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये देखें इसको ना थोड़ा दबा लें, ये चिकन जो ना ऐसे हो जाए मतलब साबुत ना रहे इसके अंदर। जिले जी हमारा मावा तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आप नान के अंदर, इसको स्टफ करते हैं। चलिए जी अब शुरू करते हैं
ये हमारा नान है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जी, इसमें हम ऐड करेंगे इसके, ये करने से ना नान फूलेगा नहीं आपका, सही है, वरना नान फूल के ना तो उसमें से मावा जो है सारा नीचे तंदूर के अंदर गिर जाता है, इससे गिरने का मतलब खतरा भी नहीं है और फूलेगा भी नहीं नान ज़्यादा। हम लोग तो वैसे पैन में लगाएंगे, ये पानी लगाया हमने हल्का सा, हम तिल लगाएंगे इसके अंदर, ये हमारे पैन के अंदर आ गया जी ना। ये हम तंदूर के अंदर इसको रखेंगे, इसको 4 मिनट के अंदर हमने मतलब ये पक जाएगा, 4 मिनट लगाना है इसको। अच्छा जी, हमारा नान हो चुका है, हम इसको ऑयल लगाने लगे, ये लें जी इसको ऑयल लगा लें। सिक्स पीसेस डाल, ये लें जी हमारा नान तैयार हो चुका है। तो अगर हम इसके ऊपर चीज़ लगाते या मतलब कोई वेजिटेबल की गार्निश वगैरह करते ना तो वो पिज़्ज़े की शक्ल इख्तियार कर लेने का। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।